दोस्तों, हमारी दुनिया दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए साइंस के उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। आज धरती पर बढ़ती आबादी को देख के लगातार आलिशान बिल्डिंगें बनती जा रही है, लेकिन आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसी दुनिया में जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे बसी है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। एक लाइक करने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगता, बट आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी। बात साल 1963 की है। एक आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा था, जैसे तैसे उसकी हाथ एक दीवार से टकराई। उस दीवार से एक अजीब सी आवाज आई। वह व्यक्ति डर गया। जैसे तैसे करके उसने दीवार को तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने उस दीवार को तोड़ा, उस व्यक्ति के होश उड़ गए। उसने जमीन के अंदर एक छोटा सा घर नहीं बल्कि एक बसा बसाया शहर देखा, जिसमें करीबन 20,000 से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुर्की के कपाडोसिया में भी एक ऐसी ही सुरंग है जिसमें सैकड़ों साल पहले लोग रहा करते थे। जमीन के अंदर बसे इस शहर को करीबन 700 से 800 ईसा वर्ष पूर्व बनाया गया था। बताया जाता है कि वहां ज्वालामुखी की प्राचीन मुलायम चट्टाने होने की वजह से इसे करीब 4 किलोमीटर दूरी तक बनाया गया था, और यह सुरंग धरती के अंदर करीब 250 फीट तक गहरी है। कपाडोसिया के टेरिंक्यू में बसी जमीन के अंदर की यह शहर 7,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसमें 11 मंजिले घर भी शामिल है, जो कि उस समय की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। इतना ही नहीं, यहाँ छोटे बड़े कमरे के साथ साथ बाथरूम, हॉल, स्कूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जहाँ करीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग आराम से रह सकते हैं। 250 फीट अंदर बसे इस शहर को भूकंप से भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हजारों साल पहले लोगों ने तुर्की शासन से बचने के लिए इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण किया था, जिसके प्रवेश द्वार को 500 किलोग्राम वजन वाले पत्थरों से ढक दिया जाता था। साल 1963 में इस जगह को आम लोगों के घूमने के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इस शहर का केवल 10% हिस्सा ही घूमा जा सकता था। बाकी हिस्से में घूमने की कोई इजाजत नहीं थी, क्योंकि लोगों ने अपनी बचाव संबंधी सुरक्षा को लेकर शहर में 600 से ज्यादा छोटे बड़े दरवाजे बनाए रखे थे, जिससे कि तुर्की शासन का कोई भी अत्याचारी सैनिक सीधे इनके अंदर प्रवेश न कर सके। इसलिए इस शहर के अंदर चले जाने पे बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल होता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।